हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचएल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 4 है हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम एक्सरसाइज 4.1 की इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। और इस किस टॉपिक बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो इक्वेशन की लाइन होती है वो एक बार एक्सिस के पैरेलल और फिर y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले फर्स्ट किस पे करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनाना है। देखो कैसे करेंगे, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, -1, -2, -3, ठीक है। देखो ये हमें इसके पैरेलल हमने लाइन पैरेलल की ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या होगा, ये वाला पॉइंट 1, 1, फिर ये क्या होगा 2, 1, ठीक है। यहाँ पर 3, 1, ये क्या हो गया 4, 1। तो इस समय क्या मिल रहा है देखने को, देखो अगर x एक्सिस के अलोंग हम पैरेलल लाइन खींचते हैं तो हमारा x एक्सिस बढ़ता जाता है, पर जो y एक्सिस होता है वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट। व्हेन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन y इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम c से डिनोट करते हैं, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बस इसमें इतना ही है। अगर वो दूसरा वाला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के, तो क्या होगा, देखो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, इसके अलावा क्या आ रहा है, जीरा पर पैरेलल है इसके, ठीक है। तो क्या होगा, 1, 1 यहाँ पे क्या होगा, 1, 2 यहाँ पर होगा 1, 3। तो क्या लिख सकते हैं हम, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस पे देन एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स हमारा क्या होगा, सेम होगा। देखो क्या होगा, यहाँ पर 1, 1 यहाँ 1 सेम है, 1 है जगह, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बस इसी इंट्रोडक्शन में नहीं है, अब बात करेंगे उसके एग्जांपल पर। पॉज द वीडियो नाउ, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल नंबर 9 पर। क्या कहता है, 2x + 1 ये हमारी इक्वेशन दी है, इसे कह रहा है सॉल्व इक्वेशन। पहले जो नंबर लाइन दिखाना है हमें और फिर कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 2x + 1 = x - 3 है, 2x की x से इधर आ जाएगा और -3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, x इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस का 4। बस अब क्या करना, नंबर लाइन शो करना, नंबर लाइन में सीख लिया 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4 ये हो गया हमारा x इक्वल टू -4, ठीक है। अब इसके जमाने के फर्स्ट पार्ट कार्टेशियन प्लेन पर,
कैसे करेंगे? देखो इक्वेशन हो गई हमारे पास, क्या हो गई, ये हो गई x इक्वल टू माइनस फोर है, तो लिख सकते हैं x प्लस जीरो वाई इक्वल टू माइनस का फोर, ठीक है। तो देखो तो अब सॉल्यूशन निकालेंगे, पहले व्हेन x इक्वल टू y इक्वल टू वन, ठीक है, y इक्वल टू वन, तो फिर क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस का फोर आ जाएगा, ठीक है, और वैन y इक्वल टू टू, तब भी x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस फोर, क्योंकि जीरो हो जाएगा। तो देखो y की वैल्यू चेंज हो रही है और x क्या हो रहा है, हमारा कांस्टेंट है। कब हुआ था ये, जब हुआ था, जब हमारा जो लाइन ऑफ इक्वेशन है वो पैरेलल लाइन किसके, y एक्सिस के, लिखना वैसे ही आएगा, लिखना हम इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। Thank you. Pause the video down.